नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम भंडारा विधानसभा क्षेत्र के पौनी क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आज़ाद वार्ड में किस प्रकार की आमदार को लेकर क्या विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं, हम एक छोटी सी दुकान में आए हैं कि क्या यहाँ पर आमदार भोंडेकर को लेकर विकास काम किए गए हैं या नहीं। ऐसी जानकारी हम भंडारा क्षेत्र के हर हर जगहों की लेते जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पर विषय बना हुआ है, विकास कार्य हुए है कि नहीं हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गिरीश मुंडले है। क्या नाम म्हटला? गिरीश मुंडले। का तुम्हाला माहित आहे आता विधानसभाचे इलेक्शन येऊन राहिले आहे? हिंदी बोलू चलेगा? प्रॉब्लम नहीं, हिंदी समझ तो आपको मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र के भी चुनाव आने वाले हैं और आपने अभी विधायक जो है भोंडेकर जी, इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि इन्होंने विकास नहीं किया, काम नहीं किया, नाली रोड बना, जो गटर पाइपलाइन के काम जो हुए थे उसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, रोड नहीं बने हुए। तो क्या लगता है कि भंडारा विधानसभा क्षेत्र के आमदार भोंडेकर ने काम किया है? बिल्कुल किया है। किस प्रकार के काम किया? जैसे वो गटर लाइन है, जैसे वो उप जिला रुग्णालय है, पर्यटन क्षेत्र का काम किया है, परमात्मा भवन का काम किया है, सभी काम भोंडेकर साहब ने किए हैं। और ये गटर लाइन के थोड़ा लोगों को त्रास हो गया होगा, कोई अपोजिट रहेंगे वो बोल रहे नहीं होंगे, पर मैं बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं नरेंद्र जी भोंडेकर ने। बहुत सारी निधि लेके आए, पहले आमदार बने हैं भंडारा जिले के, जो काफ़ी 3000 करोड़ की निधि लेके आए हैं। तो क्या पौनी में कितना का निधि का उपयोग किया गया? पूरा निधि का उपयोग किया है, सभी काम बड़े से हो गए हैं, कुछ बाकी है, काम चालू है। गटर लाइन के तो काम एवड़े ज़बरदस्त है, पूरी लाइन डाली है, अभी ऊपर की जो कंक्रीट की है व्यवस्था कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि भोंडेकर साहब आम लोगों से मिलते नहीं हैं, कि उनसे बातचीत करते नहीं, काश्तकारों से मिलते नहीं। झूठ बात है, भोंडेकर का जनसंपर्क इतना अच्छा है कि वो आम जनता तक मिल रहे हैं, सभी लोगों को वो मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या फिर से एक बार भोंडेकर जी खड़े हो गए इस बार, तो क्या उनको पौनी क्षेत्र में क्या चुन के देंगे? भरपूर भरघोस मत पड़ेंगे उनको, क्योंकि ये इनका पौनी हा क्षेत्र है, बाला किला है उनका, इसीलिए भोंडेकर साहब को ज़बरदस्त वोटिंग मिलेंगी यहाँ से। का नाम है तुमसे? बाला तुळेश्वर, बाला नामदेव तुळेश्वर। का करता तुम्ही? आपण करतो कास्तकारी हे काम। हिंदी समजते का तुम्हाला? हिंदी आते ही है नहीं आते। नहीं, आप मराठी में बोल सकते हैं, मैं हिंदी में पूछा तो समझते। क्या लगता है आपको भोंडेकर जी ने किसानों के लिए क्या? भोंडेकर ने के लिए काम अच्छे काम किए। कसा प्रकार से? एक तो उन्हें धाना जाए अपने फेडरेशन जाए तो ही भाव अपने भेटना अपने, बाकी जे आमदार है ते अपने घर रोटी है ते अपने खाला तेईन। भोंडेकर आता अपने लहान मोटे मुला बड़ा सोबत चांगले बोलते हैं, आया बाया सोबत ही थी अपने, अपने दवाखाना परमात्मा बैंक अपनी मजे भवन तो ये यही ना बांधल अपना समाज कार्य के लिए। हो समाज कार्य के लिए थे अपने। यावेळी कास्तकार वोट देणार का? हां, कास्तकार वोट देतील ना तर काय? कास्तकार आपला चांगली आता त्यांची जाय चर्चा शेतकऱ्याला बोनस ही दिली आहे अजून। वाजे ज्या 2 वर्ष आपले म्हणजे बोनस दिली आहे। खूप चर्चा आहे त्यांच्याविषयी, घेऊन का आहे, काम नाही केलेले आहे, लोकांना भेटत नाही आहे, अशी खूप त्यांची चर्चा, वेगळी चर्चा करत आहात तुम्ही, म्हणता का काम केलेलं आहे? भोंडेकर साहेब आले का नाही, माई पत्नी मरण पावली का नाही, तर मा घरी म्हणजे आले होते भोंडेकर साहेब, भेट घेतली हो, म्हणजे आपला म्हणजे सन्मान आपला केला त्यांनी। कास्तकाराशी भेट घेतली म्हणजे चांगला वाटला। हो पा, त्याला म्हणजे गर्व नाही, अभिमान नाही। हा, अरे आमदारचा अभिमान नाही, एक साधारण कास्तकाराची भेट घेतात। हो एकदम म्हणजे आपला भोंडेकर साहेब आपले मन आपले याच्यात आहे काय, यावेळी पुन्हा उभा झाले झाले पाहिजे म्हणजे एक याच्या आले पाहिजे ते मग। मग तुम्ही तुमचे कास्तकार वोट देणार का? कास्तकार वोट देतील ना काय जी, आपलं म्हणजे बोनस हे आपलं हम भावाचे आपले धानाचे भाव ते देते आपला। पुन्हा निवडून येणार? हो आपल्या पौनी क्षेत्रातून निवडून येतील। का नाव? सुरज केवटे। कुठे राहते?
पवनीला खूप चर्चा चालू आहे तुमची आमदारची की काय काम आहे नाही करत काय नाही करत. पवनीला जेव्हा भी येतील ना ते भेट देतातच बिलकुल सगळ्यांना बिलकुल आणि कामं व्यवस्थित आहे. आजपर्यंत कोणत्याच आमदारने एवढे कामं आणलेच नाही सरळ मनाच्या. कशा प्रकारचे काम आले पवनी क्षेत्रात कोणते काम झाले? ग्रामीण रुग्णालय झाला, मानव मंदिर झाला किंवा हे रस्त्याचे कामं झाले, कुठ पूर्ण गावातले रस्ते हे वगैरे क्लिअर केले त्यांनी. लोक तर म्हणतात का काय केले नाही आहे तुम्ही त्यांचे पक्षाचे तर कार्यकर्ता नाही म्हणून असे म्हणून. बिलकुलच नाही कोणतेच येतले नाही. म्हणजे आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहे की ते पवनीला येतात भेटतात वगैरे अशा पद्धतीनं. काय वाटते यावेळी पुन्हा झाले उभे झाले तर काय होणार? बिलकुल निवडून येतील. काय नाव आहे तुमचं? रघुनाथ मुंडले. कुठे राहता तुम्ही? पवनी. काय करता तुम्ही? काय सकाळचे काम? किती एकड आहे? 80 डिसमिलचा पवनी. छान झाली का नाही यावेळा? आहे ठीक ठीक आहे. काय म्हणते तुमच्या क्षेत्राचे विधायक? विधायक चांगले आहेत, सभावाल चांगले आहेत, सगळ्या गोष्टीले ना. पवनी एरिया हा चौक म्हटलं तर बोंडेकरसाठी एक नंबर आहे. एक नंबर आहे. याच्यावर जास्त वोट राहणार पवनीमध्ये? जास्त वोट. कास्त करतो म्हणतात काय केलं नाही आमच्या? नाही नाही ते तर म्हणणारच आहेत, कमी जास्त बोलणारच आहेत. नाही तर याच्या पहिले आमदार झाले, सावर बांधे झाले, हे नावसरे झाले, का केला आहे ना? सावर बांधे 3 वेळ निवडून आले, का केला? याईनं काम करून दाखवला काय गरज आहे? काही आपल्या खाल्ले आपले जे भरले त्यांनी एवढी नाही ते कोणत्याच आमदार नाही. साहेब एकमेव आमदार आहे का त्यांनी 3000 करोड ची निधी आणली महाराष्ट्र सर्वात जास्त. हो विदर्भात तर नंबर 1 आमदार ठरले आहेत. कळले तरी येतो ते 4 दिवसात 8 दिवसात इकडे हर मंदिरला म्हणा गावात म्हणा लोकांमध्ये. आता ते 2 वेळा निवडून आलेले आहे. 2 वेळा म्हणजे तुमच्या क्षेत्रात आमदार होते अवसरेजी, त्यांनी काय केलं मग? नाही नाही काहीच नाही केलं, काहीच नाही केलं पवनीसाठी, काहीच नाही. कोण म्हणते केला म्हणून म्हणते असं कोणी? काहीच नाही. तो पळ अपक्षही राहतील ना तरी पण निवडून येतील. पहा आप देख रहे हो कि किस प्रकार से एक भावनाएं जागी है लोगों में. कहीं जैसे कहा जा रहा था कि हर विषय काम नहीं किया है, इस विषय को लेकर बड़ी बवाल मचाया जा रहा था, खबरों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा था. लेकिन जब हम क्षेत्र के अलग अलग जगहों में जब जाके लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, ये काश्तकार लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, ना इनको कोई पक्ष से लेना है ना कोई पार्टी से लेना है, लेकिन जब विकास की बात आती तो फिर सिर्फ एक ही नाम आता है, विधायक भोंडेकर, जिन्होंने क्षेत्र के लिए काम किए हैं, बड़ी बड़ी निधि लेके आई है. और जैसे पौनी क्षेत्र में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि काश्तकारों के लिए बड़ी बड़ी योजना लाई है, फंड दिया गया है. और आपको बता दें कि इसके पहले भी नुकसान हुआ था काश्तकारों को, इसके लिए सबसे आगे बढ़ के भोंडेकर जी ने काम किया गया है. साथ ही हम आपको बता दें कि भंडारा क्षेत्र का पवनी क्षेत्र बहुत काफ़ी बड़ा है और यहाँ से जो है लोगों का कहना है कि काफ़ी बड़ा मतदान जो है होगा. अगर वह पक्ष भी खड़े होते हैं तो उनको बड़ा मतदान. ऐसे ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे. मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप तक हकीकत पहुँचाता हूँ. देखते रहिए BS क्राइम इंडिया न्यूज़ पवनी.